नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आलिया भट्ट पर फूटा फिर कंगना रनौत के नाम का बम। मणिकर्णिका स्टार ने गली बॉय स्टार की उड़ा दी खिल्ली। साल 2019 की शुरुआत बेहद शानदार रही। इस साल के शुरुआती तीन महीने में ही हमें एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्म देखने को मिली। साल की शुरुआत में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, फिर मणिकर्णिका और टोटल धमाल, और उसके बाद गली बॉय जैसी 100 करोड़ी फिल्म रिलीज हुई। इन सभी के काम करने वाले स्टार्स की सिनेप्रियो ने जमकर तारीफें भी की। फिर भले ही वो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी स्टार कंगना रनौत हो या फिर हो गली बॉय स्टार आलिया भट्ट, ऐसे में इन सभी सितारों की खूब बल्ले बल्ले हुई। लेकिन हाल ही में इस पूरे मुद्दे पर एक पोल किया गया था, जिसमें दर्शकों के मिले वोटों के आधार पर शुरुआती तीन महीनों में बेस्ट एक्ट्रेस की रेस में कंगना रनौत ने आलिया भट्ट से बाजी मार ली। लेकिन जब इस पूरे मुद्दे पर कंगना रनौत की राय को जानना चाहा, तो बॉलीवुड की इस दीवा ने एक बार फिर आलिया भट्ट को आड़े हाथों ले लिया। कंगना रनौत ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, गली बॉय की परफॉर्मेंस में ऐसा पछाड़ने के लिए था ही क्या। तेज तरार और मुंह फट लड़की, बॉलीवुड की उग्र लड़की, महिला सशक्तिकरण और अच्छी एक्टिंग करने वाली अदाकारा का विचार काफी अलग है। प्लीज मुझे इस शर्मिंदगी से दूर रखिए। मीडिया ने फिल्मी बच्चों को बहुत प्यार से लिया है, कृपया उन्हें औसत दर्जे के काम की तारीफ करना छोड़िए, वरना कोई पैमाना ही नहीं रहेगा। वेल, अब देखने वाली बात ये होगी कि कंगना के इस बयान पर आलिया भट्ट का क्या जवाब होगा। वैसे कंगना के हर बयान से आलिया आसानी से पल्ला झाड़ लेती हैं, लेकिन फिर भी कंगना उन पर तीखी टिप्पणी करने से नहीं चूकती। इस बीच बता दें कि आलिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कलंक का प्रमोशन करने में बिजी है। आलिया भट्ट वरुण धवन के साथ दोबारा इस फिल्म में दिखाई देने वाली हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।